हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल फ्लेवर का स्पाइडर मैन केक। ये केक बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही साथ हम इसे बिना अंडे और बिना अवन के बना करके तैयार करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने राउंड शेप का केक टिन ले लिया है, इसे हम ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे और नीचे एक पेपर लगा लेंगे और पेपर को भी अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब केक बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 कप बिल्कुल हल्का गर्म दूध। इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर या फिर नींबू का रस। मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल और साथ ही साथ यहाँ हम पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बना रहे हैं, इसीलिए 1 छोटा चम्मच पाइनएप्पल एसेंस। अब इसी में ऐड कर देंगे 1 कप पिसी हुई चीनी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक छलनी में हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। इसी के साथ ऐड कर देंगे 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे और अब हम इसका केक बैटर तैयार करेंगे। तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए हमें एकदम स्मूथ लम्प फ्री केक बैटर तैयार करना है। ये देखिए, अगर आपको लगे कि केक बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो 1 से 2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम एक बार अच्छी तरह से टैप कर लेते हैं ताकि कोई एयर बबल होगा तो वो निकल जाएगा। दूसरी तरफ कढ़ाई को भी मैंने प्रीहीट कर लिया था। अब केक को रख करके हम इसे 40 से 45 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे। बेकिंग टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये देखिए, इस केक को बेक होने में 50 मिनट का समय लगा था। टूथपिक डालकर चेक कर लेंगे, केक परफेक्टली बेक हुआ है। इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। जब ये ठंडा होगा उसके बाद ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, केक को मैंने टिन से बाहर निकाल लिया है। काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है। अब इसकी लेयर कट करेंगे। तो ऊपर का शेप एकदम परफेक्ट है, इसलिए मैंने ऊपर से इसे ट्रिम नहीं किया है। मैं केक को 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ और ये देख सकते हैं अंदर से भी ये कितना सॉफ्ट बना है। तो यहाँ मैंने 3 लेयर्स कट कर ली हैं। अब केक को असेंबल करने के लिए केक बोर्ड के ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सबसे पहली वाली लेयर रख लेते हैं और लेयर को सोक करने के लिए यहाँ मैंने शुगर सिरप तैयार किया है, यानी थोड़े से पानी में मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी को मिक्स किया था। अब शुगर सिरप से सोक करने के बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे व्हिपिंग क्रीम की 1 लेयर। अब इसके ऊपर हम रखेंगे केक की 2nd वाली लेयर और साइड्स पे भी मैं यहाँ हल्की हल्की सी क्रीम लगा ले रही हूँ। अब 2nd लेयर को भी हम शुगर सिरप से अच्छी तरह से सोक करेंगे और इसके ऊपर भी हम लगा लेंगे व्हिपिंग क्रीम की अच्छी सी लेयर। इसे भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर देते हैं। नाउ हम इसे 3rd लेयर से कवर करेंगे। तो यहाँ नीचे वाली लेयर को मैंने ऊपर साइड पे रखा है और इसे भी मैंने अच्छी तरह से शुगर सिरप से सोक कर लिया है। तो पूरे केक को यहाँ मैंने हल्का हल्का सा क्रीम से कवर कर लिया है, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम फाइनल कवरिंग करेंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने व्हिपिंग क्रीम में ना ब्लू कलर ऐड किया है, क्योंकि स्पाइडरमैन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, तो इसीलिए यहाँ मैंने ब्लू कलर ऐड किया है। अब ब्लू कलर से हम अच्छी तरह से पहले पूरे केक को कवर कर लेते हैं, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ मैंने एक कार्ड ले लिया है। कार्ड से अब हम अच्छी तरह से इसे साइड से पहले लेवल कर लेंगे और उसके बाद हम ऊपर का जो टॉप है उसे भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए, पूरे केक को मैंने अच्छी तरह से कवर करके एकदम फिनिशिंग लुक दे दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ मैंने टूथपिक से स्पाइडरमैन का फेस पर ड्रॉ कर लिया है और व्हिपिंग क्रीम में अब मैंने ऐड किया है थोड़ा सा रेड फूड कलर और इससे हम इसका फेस बनाएंगे, जैसे स्पाइडरमैन का फेस रेड कलर का होता है। अब यहाँ मैंने एक छोटा सा कार्ड ले लिया है, इससे हम फेस को अच्छी तरह से इवन कर लेते हैं, ये देखिए। अब यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, यानी कि थोड़े से चॉकलेट में मैंने हल्का सा व्हिपिंग क्रीम मिक्स करके ये गनाश तैयार किया है। इसे मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और इससे हम फेस की आउटलाइन बनाएंगे। साथ ही साथ जो इसके ऊपर जाले बनते हैं वो भी हम इसी से तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें पहले लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद इन लाइन्स के सेंटर में हम इस तरह से पैटर्न बनाते जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान है ये। तो ये देखिए, केक के ऊपर मैंने इस तरह से स्पाइडरमैन का जो नेट होता है वो तैयार कर लिया है। अब हम स्पाइडरमैन की आईज़ बनाएंगे। तो ये भी हम पहले टूथपिक से रफ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम इसे कवर करेंगे वाइट कलर की क्रीम से। तो ठीक जैसे स्पाइडरमैन का फेस होता है ठीक उसी तरह से हम बना लेंगे। थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए यहाँ मैंने इस आईज़ को ये देखिए चॉकलेट गनाश से कवर कर दिया है इस तरह से। और अब फेस पर भी हम इसके ऊपर इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। रेड कलर की क्रीम थोड़ी सी बच गई थी, जिससे मैंने नीचे यहाँ स्टार बॉर्डर बना लिया है। आप अपनी पसंद का कोई भी बॉर्डर बना सकते हैं। और लीजिए फ्रेंड्स, बनकर के तैयार है स्पाइडरमैन केक।
तो आई होप आपको ये केक पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।